कुछ दिन पहले जहां राहुल गांधी से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की थी, वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ देर पहले ही ईडी कार्यालय पहुंची है। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की है। उनके साथ बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद है। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी काफी झड़प हुई। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और खटीमा से विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने ईडी दफ्तर के गेट पर चढ़कर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर हल्ला बोला। करीब एक घंटे की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की। किसान विरोधी ये सरकार, महिला विरोधी ये सरकार। हम ये कहना चाहते हैं, जिस केस में ईडी एक बार जेल चीफ दे चुकी है, उसमें एक ऐसे विवादित अधिकारी से दोबारा से पुनर्जीवित किया गया, जो अधिकारी बीजेपी का विधायक है यूपी में। आखिर क्या क्या रीजन है और ईडी और उसका दुरुपयोग के कुछ उदाहरण आपके माध्यम से जनता के सामने रखना चाहते हैं। येदियुरप्पा जी ने जब बीजेपी छोड़ी, सीबीआई और ईडी का समन भेजा गया, वापस येदियुरप्पा गए, केस कहां गया? नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, केस दर्ज हो जाता है सीबीआई का भी ईडी का भी, और जैसे नारायण राणे वापस जाते केस वापस हो जाता है। इसी तरीके से अनेकों अनेक केस इस देश में जो विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल किए। हम केवल और केवल प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जनता को अवेयर कर सके, जनता का सहयोग ले सके, और हम इसमें सफल हो रहे हैं। जनता हमारे से लगातार जुड़ रही है, बीजेपी दबाव में है, इसीलिए इस तरीके के अंदर बनाएंगे। अगर बीजेपी सच्ची है तो जो लक्सर का आतंकवादी कश्मीर में पकड़ा गया, जो इनके आई टी सेल का अध्यक्ष है अमित शाह की मीटिंग में उपस्थित है, उसमें बीजेपी सफाई दे। आखिर आतंकवादियों से क्या संबंध है बीजेपी?